नमस्ते दोस्तों दोस्तों मैं सुमन वशिष्ठ बहुत फिर से आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने अपनी इस वीडियो में सरसों और राई में क्या अंतर होता है यह बताया है, तो चलिए देखते हैं दोनों में अंतर। नमस्ते दोस्तों, दोस्तों आज हम सरसों और राई में अंतर देखेंगे। दोस्तों ये सरसों है, ये देखिए ये काले रंग की होती है, इसका आकार भी बड़ा होता है। और दोस्तों इससे जो सरसों का तेल हम घर में यूज़ करते हैं इससे ही निकाला जाता है, और इसका यूज़ दोस्तों सांभर जब हम बनाते हैं तो तड़का इसी का ही लगता है सरसों का। ये दाल का सब्जी आदि में इसका तड़का लगता है, बहुत यूज़फुल है। और ये दो तरह की होती है, पीली भी होती है, ये दोनों ही यूज़फुल है और दोनों ही खाने में बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये हो गई सरसों। और दोस्तों ये है राई, ये देखिए इसका रंग भी अलग है, इसका रंग थोड़ा सा ब्राउन से रंग का है और इसके दाने भी सरसों से बहुत छोटे होते हैं। सरसों के मोटे होते हैं और इसके छोटे होते हैं, राई के छोटे होते हैं दाने। और इसका स्वाद जो होता है दोस्तों, इसकी जो तासीर होती है खट्टी होती है। ये अचार जब हम डालते हैं तो ये उपयोग में ली जाती है, जैसे गोभी का हो गया, गाजर का हो गया, मिर्च का हो गया, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जब रायता बनाते हैं, गाजर का रायता जब हम बनाते हैं तो इसका तड़का जब लगाते हैं तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको दोनों सरसों और राई में अंतर पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।